परमेश्वर दुनिया में अपनी मूछों का कमाल और उसका जलवा बिखेरने वाले गिरधर व्यास हमारे साथ में है। ये दाढ़ी और ये मूछें, ये रौबीला अंदाज, ये सब कुछ इस ऊंट महोत्सव का खास हिस्सा बन जाते हैं जब इस मंच पर नुस्तर बीकाना कॉम्पिटिशन के जरिए अपनी बहादुरी और अपना अलग अलग आइए आज हम मिलवाते हैं आपको बीकानेरी ऊंट से। आपने ऊंट तो बहुत देखे होंगे लेकिन बीकानेरी ऊंट आज आप देख रहे हैं। ऊंट के मामले में राजस्थान नंबर वन है, जबकि ऊंट के दूध में गुजरात ने बाजी मार रखी है। उम्मीद है इस ऊंट उत्सव से लोगों में जागरूकता आएगी और ऊंट पालकों में एक नया दौर शुरू होगा और सरकार की तरफ से भी ऊंट पालकों को कुछ नया अनुदान मिलेगा। यह है बीकानेरी ऊंट। आज हम खड़े हैं बीकानेर में स्टेडियम में चल रहे ऊंट महोत्सव में, जहां मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं विजय कुमार जी मोदी जी से। आज तक हम सुनते हैं मूछे हो तो नथु लाल जैसी, लेकिन आज इस ऊंट महोत्सव से ये दोहा बदल जाएगा। मूछे हो तो विजय कुमार जी जैसी। विजय कुमार जी, आज आप अपनी मूछों का कर्तव्य दिखाइए। आप ये आप देखिए, आज से हम मूछे हो नथु लाल जैसी कहना छोड़ देंगे। आज से हम कहेंगे मूछे हो तो विजय कुमार जी जैसी। जूम करके अच्छे से दिखाइए। जहां कहीं भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं विजय कुमार जी, आपको ये मूछे बढ़ाने का शौक कैसे लगा? ऐसा है कि मेरी शॉप दुकान है ना, वो लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पास है, वहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं। अच्छा। पहले मेरे को दाढ़ी का शौक था। अच्छा। तो एक स्कॉट आया, उसने कहा कि आप दाढ़ी कटवा दो, मूछ रखो आप। मूछ रखो। तो मेरे को करीब 15 साल हो गए। अच्छा। दाढ़ी कटवा ली, मूछ रख रहा हूँ। तो ये मूछ आपकी 15 साल की मूछ है। देखिए 15 सालों की इनकी मूछ है। जहाँ हम आज के नौजवान युवा 15 मिनट मूछ नहीं रख सकते, जहाँ हमारे विजय कुमार जी मोदी जी ने इतिहास रचा है और 15 वर्षीय इनकी मूछ है। आप अपनी मूछ एक बार और सभी दर्शकों को दिखाइए, देखिए कितनी लंबी है इनकी मूछ। 15 वर्षीय मूछे हैं। आज ऊंट महोत्सव से हम आपको कुछ नया दिखाने जा रहे हैं। आज हम खड़े हैं बीकानेर में चल रहे ऊंट महोत्सव में। आज मैं आपको ऐसे महान व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो ऑलराउंडर है। सब, मेरा नाम किशोर कल्ला और सबको कह रहा हूं मैं खमागणी। मैं ऑल इंडिया चैंपियन बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग जीत चुका हूं। नेक्स्ट पिछले साल मैंने मिस्टर बीकानेर का खिताब जीता है और अभी इंजॉय करने के लिए आया हूँ। मुझे गर्व है कि मैं बीकानेर का निवासी हूँ और जय राजस्थान, जय बीकानेर। ये बात मत है, हमें एक बार बाबेरी जय बोलाई देवा। बोल पूर्ण राज।